यही है बहुत बहुत डर लग रहा है अभी तो। डर थोड़ा सा डर लग रहा है वैसे मुझे। माय गॉड ऑक्टोपस। नहीं पकड़ रही हूँ, मैं भी पकड़ रही हूँ। व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो टुडे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट्स 8 AM इन द मॉर्निंग। वेरी हार्ड फॉर मी टू वेक अप सो अर्ली, माय रूटीन हैज बीन मेस्ड अप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई लाइक वर्किंग इन द नाइट टाइम, मुझे बहुत पसंद है रात को काम करने के लिए, एक्चुअली आदत बन गई है। उससे पहले जब भी मैं जॉब करती थी तो आई यूज टू टेक नाइट शिफ्ट, बट आई थिंक वन शुड नॉट फॉलो दिस रूटीन बिकॉज रात का नींद सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और उससे ही आपकी जो हार्मोन लेवल्स हैं, जो फीमेल्स हैं स्पेशली, उनकी हार्मोन लेवल्स बहुत बैलेंस रहते हैं। बट मैं बैलेंस रखती हूँ अपने हार्मोन लेवल्स को बाई डूइंग माई वर्कआउट एंड ऑल्सो ईटिंग प्रॉपरली। एंड मेरा जो वर्कआउट है बहुत ही इंटेंस रहता है, तो उसके हिसाब से जब भी मैं कुछ खाती हूँ तो वो बहुत जल्दी हजम हो जाता है। आई एम गोइंग टू गेट रेडी एंड आई विल सी यू इन अ शॉर्ट व्हाइल। ओहो, गाड़ी की चाबी नहीं मिलेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सो मैं अभी एक एग्जाम देने जा रही हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम, पापा की ख्वाहिश। लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम से फॉलो करके रखा है, उनको पता है एक टाइम पे UPSC कैंडिडेट थी, मैंने IAS की कोचिंग भी ली थी। पर उसके बाद थोड़ा सा चीज़ें अलग हुई और फिर उसके बाद मैंने अपना पैशन फॉलो किया। बट इस बार ये और एक बड़े चांस दे के देखते हैं कैसा होता है। और दिल्ली की ट्रैफिक की वजह से कम 1.5 घंटे पहले निकलना पड़ता है यहाँ पर। सुबह सुबह को याकुल पी रही हूँ एग्ज़ाम देने से पहले, पेट ठंडा रहेगा तो दिमाग भी ठंडा रहेगा। ये देखो दिल्ली के ट्रैफिक। सुबह सुबह को अगर आप लोग बनाना खाते हो वो बहुत अच्छा होता है पेट के लिए, आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इस वन बनाना ए डे, क्या बोलते हैं उसको, किप्स द डॉक्टर एवे। मैट्स, ओ हो, मैट्स के बारे में तो बोलो ही मत। दिल्ली में पहाड़ आ गया। पहाड़ नहीं है ये, कूड़ादान है, दिल्ली का कूड़ादान। ये है मेरा एग्जाम का सेंटर, ये लोकेशन देखो, इतने गांव में रखा हुआ। आई थिंक पहुंच गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ। बहुत डर लग रहा है अभी तो, डर थोड़ा सा डर लग रहा है वैसे मुझे। व्हाट अ टायरिंग एग्जाम इट वाज। वाओ, सो अभी मैं खाने के लिए आई हूँ एक कोरियन रेस्टोरेंट में और एग्जाम अच्छा गया है। सो लेट्स सी, रिजल्ट ही बता पाएंगे। एक बारी में अगर नहीं हो पा रहा है तो वी शुड कीप ऑन ट्राइंग। कोरियन बारबेक्यू है, फॉर 2 पर्सन इट्स ₹999 एंड 4 पर्सन इट्स 800। ये अच्छा लग रहा है। सो आज हम लोग थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू चूज वन डिश एंड ही इज गोइंग टू चूज हिज ओन डिश और सरप्राइज रहेगा, देखते हैं किसने क्या ऑर्डर किया। व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कोरियन स्पाइसी पोर्क बुलगोगी राइस बोल। इसमें आपको स्पाइसी पोर्क मिलेंगे और इसमें उसके साथ स्टिकी राइस, कोरियन स्टिकी राइस, एंड अलोंग विद दैट वी विल गेट सम वेजिटेबल्स। सो दिस इज माय बोल जो मैंने ऑर्डर किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। शवाले, ओके ओके। So this is a different type of shawal. मतलब शेप अलग है इसके। पोर्क बोल, ये है नेपाली फूड शवाले, कोरियन एग रोल। सो आई विल टेस्ट राइट नाउ एंड विल गिव यू अ फीडबैक ऑफ हाउ इट टेस्ट। अनएक्सपेक्टेडली जो मेरा माइक है वो ऑफ हो गया था, तो मैं अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ मेरी राइस बोल से। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, वेजिटेबल्स है, फाइबर है, कार्ब्स है, प्रोटीन है। तो थोड़ा सा आपको वियर्ड लगेगा बट आप लोग दो तरीके से इसको खा सकते हो। एक तो ये है कि आप लोग सारे इंग्रेडिएंट जो है उसको सब मिक्स करके एक साथ ही खा सकते हो, या फिर पहले एक स्टिकी राइस लेंगे चॉपस्टिक से या स्पून से, फिर उसके बाद जो फ्राइड स्पाइसी पोर्क है उसको लेंगे एंड उसके बाद जो वेजिटेबल्स है उसको भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं साथ में।
अलॉन्ग विद दैट आई लव द साइड डिशेस बिकॉज उसमें मुझे बहुत हेल्दी ऑप्शंस मिला है, जैसे बॉयल वेजिटेबल्स में स्वीट पोटैटो, उसके साथ पिकल रेडिश दिया गया है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट था किमची, जो मैं इंडियन अचार बोलती हूँ, और वो खाना को बैलेंस कर देते हैं, एंड वो थोड़ा सा फर्मेंटेड और टेंगी होता है बट इट्स वेरी टेस्टी। सो कमिंग विद द सेकेंड डिश, ये थोड़ा सा ऑयली है बट ऑल्सो इट्स वेरी टेस्टी, तो कभी कभार आप अपने आप को ट्रीट दे सकते हो। ये एक फ्राइड डम्पलिंग की तरह होता है और इसके अंदर मिन्स्ड मीट रहते हैं। सो आई वुड से कि आप कभी कभार अपने आप को, आपके जो टेस्ट बड्स है उसको सही करने के लिए यू कैन ट्राई डिफरेंट फूड एज़ वेल। और ऐसा नहीं है कि हमेशा खाना है आपको, हफ्ते में एक बार या फिर दो हफ्ते में एक बार अपने आप को रिवर्ड कर सकते हो। सो इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू टू बैलेंस एवरीथिंग इन योर लाइफ। ये बहुत गर्म था और मेरा मुंह जल गया है, लिटरली मैं पानी ढूंढ रही हूँ अभी। थर्ड डिश है ये एग रोल, जो कोरियन एग रोल है, बट मुझे ऐसा लगा कि ये हम जो ऑमलेट बनाते हैं उसको ही रोल करके दिया जा रहा है। सो आप लोग देख सकते हो उसके अंदर वेजिटेबल्स भी है, बट स्टिल उन्होंने नाम दे के रखा है अपनी ट्रेडिशन के हिसाब से, तो इट्स ओके। इट टेस्ट सेम जस्ट लाइक एन ऑमलेट, सो मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं इसके बारे में। लास्टली एंड हैप्पीली आई टुक माई फ्रूट बियर विच इज़ नॉन अल्कोहलिक एंड आई थिंक इट्स मेड फ्रॉम एप्पल जूस, आई होप सो। पूरा का चाय का चाय पत्ती, चीनी दूध और चाय पत्ती ले लिया इसने। आइसक्रीम भी चाहिए, एक आइसक्रीम दे दो। सो मौसम बहुत अच्छा था और हम लोग बहुत जल्दी में थे क्योंकि घर में एक बड़ा पार्सल आने वाला है अभी। सो फाइनली मेरा फ्रिज आ गया है इतने हैसल के बाद, और इतना दिक्कत दिया है इन्होंने, फ्लिपकार्ट वालों ने, इन्होंने कम से कम 6 दिन लगा दिया है, और इतना कस्टमर केयर और इतना झगड़ा करने के बाद इन्होंने थोड़ा जल्दी नहीं पकड़ रही हूँ, मैं भी पकड़ रही हूँ, चलो निकालो निकालो बस, और बस। ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं ठीक है, हो गया ना अभी वही द मैस दे हैव क्रिएटेड, माय गॉड इतना। फाइनली आई एम डन विथ माई वर्कआउट, और देख रहे हो पसीना टपक रहा है मेरी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज बहुत थक गई मैं और 8 बजे से उठी हुई हूँ, जो मेरा रूटीन नहीं है। सो अभी मैं जाके थोड़ा रिलैक्स करूँगी एंड आने वाले वीडियोस पे थोड़ी सी हेल्दी रेसिपीज में भी थोड़ा सा मैं बनाने वाली हूँ, हेल्दी रेसिपी जो आप लोग घर पर बना सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, हमेशा बोलती हूँ कीप लविंग मी, जितना सपोर्ट करोगे उतना अच्छे अच्छे कंटेंट्स मेरे आते रहेंगे। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, बाय। सॉरी तुमने क्यों बोलना था।